आप इस वीडियो को देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सांप ने कछुए पर अटैक किया है कि कछुए ने सांप पर। दरअसल मामला ये है कि सांप ने कछुए की झोपड़ी में झांकने की कोशिश की, जिसके बाद कछुए ने सांप को मुंडी से पकड़कर बुरी तरह पिट डाला। अगर इस नॉर्मल कछुए की जगह एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल होता तो सांप के छोटे छोटे पीस कर डालता, क्योंकि इनकी बाइट 1000 PSI होती है। अब आप सोचोगे, नॉर्मल सांप नहीं तो एनाकोंडा तो कछुओं को जिंदा निकल ही सकता है। लेकिन कछुए की सहेल बड़ी होने के साथ साथ कोने से शार्प भी होती है। अगर निगल भी गया तो शार्प एजेस की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी, जिसके बाद कछुआ और एनाकोंडा दोनों मर जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब।